हैंडीक्राफ्ट के लोगों को सहूलियतें दी, साइकिल वाले लोग ताकि आकर के आए, एटलस साइकिल सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ, और भी साइकिलें बहुत बिकती हैं, एटलस वाले सामने आए, उन्होंने खुद कहा कि जैसे आपने 4% वेट हटाया है उससे हमारा कारोबार बढ़ा है, कई जगह मंडी शुल्क को हम लोगों ने माफ किया, कई जगह और टैक्सेस लग सकते थे, ब्रश बनाने वाले लोग जो पेंटिंग करते हैं, हाल ही में कैबिनेट ने फैसला लिया था कि सबसे ज्यादा ब्रश अगर कहीं बनते हैं तो वो उत्तर प्रदेश में बनते हैं, ब्रश पेंटिंग से लेकर के जहां बहुत सारी जगह इस्तेमाल होते हैं उनको भी वेट से मुक्त कर करके उन्हें भी सहूलियत दी। दिल्ली हाट सब जानते हैं, लखनऊ बड़ा है, आबादी में भी बड़ा है, तो यहां वहां बड़ा एक लखनऊ हाट जिसको अवध शिल्प ग्राम के नाम से हम लोग बहुत बड़ा बना रहे हैं, वहीं नोएडा में भी बन रहा है। कभी कभी हम लोगों के सामने ये भी मुश्किलें हैं कि चीज तो नोएडा में है लेकिन उनका जब विजिटिंग कार्ड देखें तो वो ये कहते हैं कि एनसीआर दिल्ली, उत्तर प्रदेश का नाम ही नहीं आता। बहुत सारे विजिटिंग कार्ड अगर आप देखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, क्योंकि मैं क्रिकेट के मैदान में था, जो बहुत बड़े स्पॉन्सर थे उन्होंने मुझे कार्ड दिया, मैंने कार्ड देखा और जब कार्ड देख करके मैंने पूरा एड्रेस पढ़ा तो वो लिखा था नोएडा एनसीआर, कई एनआरआई भी एनसीआर नोएडा लिखते अपने कार्ड में। ताजमहल देखने वाले टूरिस्ट भी ये कभी कभी नहीं जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है कि दिल्ली है, क्योंकि हो सकता है प्रचार मार्केटिंग का जमाना है, उन्हें कुछ और प्रचार में चीजें के माध्यम से वो जान रहे हैं, लेकिन इधर कम से कम समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान लौटाने में लगातार काम करने का प्रयास किया है और मैं कह सकता हूं कि तमाम आंकड़ों में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता, मैं ये कह सकता हूं कि देश में सबसे फास्ट सबसे तेज काम किसी मेट्रो पे चल रहा है या किसी शहर में बनकर के आएगी तो वो राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की होगी, जिसमें सबसे कम समय में मेट्रो बनकर के वो आ रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का और जब लैंड एक्विजिशन का सवाल आया था, नेशनल पार्टी उस बात पे बहस कर रही थी कि जमीन कैसे ली जाए किसानों से, बिना किसी टकराव के, बिना किसी नाराजगी के उत्तर प्रदेश सरकार ने और मिलकर के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर के उनके सहयोग लेकर के किसानों को समझा करके जमीन सबसे ज्यादा एक्वायर और कम समय में एक्वायर कर करके दिखाया। और मैं कह सकता हूं ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है जो कि 6 लेन है, एक्सपेंडेबल है 8 लेन, ऐसा एक्सेस कंट्रोल हाईवे कहीं देश में नहीं बन रहा होगा, इकलौता कहीं अगर बन रहा है 300 किलोमीटर से ज्यादा तो वो उत्तर प्रदेश में, ये भी एक्सप्रेस वे फास्टेस्ट बनेगा, इतने फास्ट एक्सप्रेस वे कहीं देश में नहीं बना होगा जो उत्तर प्रदेश उदाहरण पेश करेगा। तो मेट्रो में हम उदाहरण पेश कर रहे हैं, आपका एक्सप्रेस वे का उदाहरण पेश किया है, गेहूं में, आलू में, अनाज में हम लोग बहुत आगे हैं, नाम तो किसी और का है, लोग कहते कि पंजाब में गेहूं ज्यादा है लेकिन आंकड़ों में शायद जमीन पर दिखाई दे तो उत्तर प्रदेश भी बहुत आगे है, इसी तरह आलू में आगे हैं, सब्जियों में आगे हैं, दूध का प्रचार हो जाता है गुजरात में सबसे ज्यादा दूध होता है लेकिन सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पैदावार है। आज मदर डेयरी भी वहां प्लांट लगा चुकी है, अमूल के दो प्लांट लग रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन भी बढ़ा है, कामधेनु डेयरी योजना भी लगाए, इतने जानवर दुधारू जानवर किसी प्रदेश में नहीं बढ़ाए होंगे जितने समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बढ़ाने का काम किया है। उसका परिणाम यह है कि 2,60,000 लीटर के लगभग प्रतिदिन दूध उत्तर प्रदेश में उत्पादन बढ़ाए। हो सकता है दिल्ली में उत्तर प्रदेश का भी दूध आता हो और बड़े पैमाने पर आता हो, इसी तरह हर क्षेत्र में काम किया है। जिला हेडक्वार्टरों को फोर लेन से जोड़ना, एमबीए बीएस की सीटें बढ़ाना, मेडिकल कॉलेजों को बनाना और तमाम महत्वपूर्ण फैसले हर क्षेत्र में लिए हैं। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और जो उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है वो अपने कामकाज में भी बहुत आगे दिखाई दे रहा है, टूरिज्म में भी आंकड़े बेहतर हुए हैं, आपके और चीजों में भी आंकड़े बेहतर हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, समय सीमित है क्योंकि सवाल आपको भी बहुत पूछने हो सकते हैं पूछें, इसलिए मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं और आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत से लोगों से पहली बार इतने आमने सामने मुलाकात हुई।
देखिए ये सवाल सब लोग पूछना चाहते थे, मैं समझता हूं, और अगर मैं चुप भी हो जाऊं तब भी कुछ ना कुछ आप लिख दोगे और उसके भुगतो भी हम ही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, कल मैं संत कबीर नगर भी गया और मैं जौनपुर भी गया, वो इलाहाबाद के बॉर्डर पर। जो बातें अखबार में छपी हैं, जब सुबह मैंने अखबार देखा, टीवी चैनलों की कल शाम से ही तो लगातार ब्रेकिंग न्यूज और लाइन चलने लगी, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं कि मैंने आगे तक कहा क्या था। सच तो ये है कि मुझे नहीं पता लगा, मैं अगर एक अखबार पढ़ता हूं तो उसमें खबर दूसरी है, मैं दूसरा अखबार पढ़ता हूं तो खबर दूसरी है। आखिरकार आप क्या चाहते हैं ये बताओ, वो मैं क्या दूंगा। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप बताओ मैं क्या कहूं, बताओ। अच्छा, इतना काम करने के बाद आप ये बताइए, फास्टेस्ट मेट्रो बनाने होम मिनिस्ट्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में बन जाए, कानपुर का बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा, एक्सप्रेस वे बना रहा हूं, उसके किनारे में मंडी बना रहा हूं। आप लोगों की महंगाई हो जाए तो सबसे ज्यादा परेशानी आती है, महंगाई दिल्ली में दिखती है, लेकिन महंगाई 100 किलोमीटर नीचे चले जाओ, 50 किलोमीटर नीचे चलाओ, महंगाई नहीं है, उन्हें तो कीमत भी नहीं मिल रही। तो मंडी बना रहा हूं मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश कम से कम ये तो करेगा कि पूरे देश को सब्जियां, अनाज, फल, तमाम चीजें दे सके। अभी इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी हमारे यहां, अभी सुनने में आया कि आटे का बाजार 20% की रेट से बढ़ रहा है, और मैं किसी की मार्केटिंग नहीं करना चाहता, लेकिन कम से कम आशीर्वाद आटा तो सभी खाते होंगे, ज्यादातर लेते होंगे, तो बताओ आटे का मार्केट बढ़ गया तो यहां का अनाज कहां आएगा। तो उत्तर प्रदेश में हम इतना काम करें, समाजवादी पेंशन दे रहे, 45 लाख महिलाएं वो समाजवादी पेंशन से लाभ पा रही है, हर महीने 500 रुपए उनके अकाउंट में बढ़ जाता है, जिनको पिछले साल मिल रहा था आज 50 रुपए बढ़ गया होगा। हम हर काम कर रहे हैं, अब लैपटॉप बांट दिए 16 लाख, अब तो हर पॉलिटिकल पार्टी जहां चुनाव हो रहा है अपने घोषणा पत्र में लैपटॉप लिख रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने घोषणा पत्र को झुंझुना कहा था। तो हमें तो नजर रखनी पड़ेगी इस बात पे कि भाई गठबंधन कौन चाहता है, और कहीं ऐसा ना हो कि कहीं गठबंधन बीजेपी और बीएसपी का भी ना हो रहा हो, कहीं उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। तो नजर तो हर तरफ रखनी पड़ेगी, तो आप गठबंधन की बात तो नेता ही तय करेंगे, हम कैसे तय कर देंगे। सर एक और सवाल